नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नूतन और मैं इस यूट्यूब पे एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है होम्योपैथी विद डॉक्टर नूतन। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयों की जानकारी ले सकते हैं जिनके हमें कुछ थोड़ी सी ही नॉलेज मिल सकती है। और ये चैनल सभी दोस्तों के लिए, मतलब मेरे जैसे होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वालों के लिए, कि जो अभी उन्होंने BHMS में एडमिशन लिया है और जो BHMS में एडमिशन लेने वाले हैं और जिनको होम्योपैथी प्रैक्टिस करने 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 की इच्छा है, उनके लिए ये चैनल में ख़ास तौर से मैंने ये शुरू किया है। और इस चैनल पर हम एब्रोटनम मेडिसिन के आज पहली जानकारी लेने वाले हैं। सो एब्रोटनम ये जो मेडिसिन है, ये दरअसल जो इसका जो कॉमन नेम है, उसका कॉमन नेम है तो लेडीज़ लव। और ये जो फैमिली इसकी बिलोंग करती है, ये कंपोजिटिव फैमिली है। तो एब्रोटनम मेडिसिन ये ज़्यादातर सभी अपने सिस्टम पर अफेक्ट करती है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, माइंड एंड ऑल्सो विथ नर्वस एंड ऑल अदर सिस्टम ऑल्सो। सो एब्रोटनम मेडिसिन विच इज़ मोस्टली यूजफुल इन चिल्ड्रन ऑल्सो, बिकॉज जो एब्रोटनम मेडिसिन का जो मेन पार्ट हमको देख सकते हैं तो वो ज़्यादातर क्लिनिकल कंडीशन में, तो प्लूरसी में और रोमैटिक कंडीशन ऑल्सो विथ, और उनका हार्ट कंडीशन, रूमेटिक कंडीशन, और जो बच्चे जिनको ठीक से उनका खाना पीना नहीं रहता और उनको उनके जो बॉडी में न्यूट्रिशन कम रहते, ऐसे कुछ बच्चों में एक कुपोषण जैसा रहता है, मतलब मैरास्मस एक कंडीशन है। तो मैं उसके एक ड्रिंक मैरास्मन के एक पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। तो उन बच्चों में ये मेडिसिन बहुत हम यूजफुल दे सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आता है तो उसके जो नाभि में थोड़ा सा डिस्चार्ज भी निकलता है, तो उस वक्त हम ये मेडिसिन उसको दे सकते हैं। सो मैं ये बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने होम्योपैथी डॉक्टर की राय ज़रूर लें। ओके, आप कौन सी ही मेडिसिन खुद इन मेरी वीडियो के ज़रिए से मैं आपको नॉलेज दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप यही मेडिसिन इस वक्त सही यूज़ करें। उसके लिए आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर की राय सही तरह से ले लें। सो हम एब्रोटनम मेडिसिन की ओर चलते हैं। तो ये जो मेडिसिन है एब्रोटनम मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है कंपोजिटिव फैमिली से रहती है। और ये जो मेडिसिन है इसमें एक लो मार्क्ड फीचर रहता है कि ये बच्चे जो रहते हैं उनका पेट थोड़ा सा आगे रहता है और बहुत वीक बच्चे रहते हैं, तो उनका जो हाथ पांव इतने मतलब वो कमज़ोर रहते हैं कि उनमें ताकत ही नहीं रहती कि वो खुद बे खुद खड़े रहे। तो इस तरह से जो बच्चे रहते हैं वो हम एब्रोटनम मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। और एब्रोटनम मेडिसिन में हम फिजिकल अपीयरेंस देते तो ब्लू रिंग, जो इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ, ब्लू रिंग अराउंड द आईज इट्स सीन इन एब्रोटनम बेबीज ऑल्सो। द बेबी इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट बियर अप हिज ओल्ड, मतलब वो खड़ा ही नहीं रह सकता इतना। और एब्रोटनम के जो पेशेंट रहते हैं उनको सभी जो तकलीफ़ें रहती है वो ज़्यादातर ठंडी हवा, ठंडा वातावरण और कुछ भी ठंडी चीज़, मतलब पानी रहो या कुछ भी ठंडी से ठंडा कुछ भी, उनको वो इतने चिली रहते हैं कि वो कुछ भी ठंडा सहन नहीं कर सकते। तो इसके लिए एब्रोटनम मेडिसिन के जो भी एग्रीवेशंस है वो को है कोल्ड वेदर, कोल्ड एयर एंड कोल्ड वाटर ऑल्सो। और उनका जो स्टूल फॉर्मेशन हमने देखा तो उनके स्टूल में मतलब अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हमको दिख सकते हैं उन इसमें। और उनका जब हमने देखा तो उनका जो हंगर रहता है वो रैविनस हंगर रहता है, मतलब एक बार में खाना खाया तो ठीक, दरअसल ऐसे रहते हैं कुछ लोगों का, बट वो जो बच्चे रहते हैं उनका हैंग मतलब जो भूख रहती है वो उनकी भूख कम ही नहीं होती, उनको बहुत भूख लगती है। सो रैविनस हंगर इज सीन इन द एब्रोटनम मेडिसिन। सो नेक्स्ट वी सी द रोमैटिक कंडीशन विथ हार्ट इरीटेशन। सर जो भी उसके जो कंप्लेंट होते हैं, जब हमने रोमैटिक
जो रूमेटिक रहता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की मतलब रूमेटॉइड मतलब जिसमें स्मॉल स्मॉल जॉइंट और बिग जॉइंट में भी पेन हो सकता है, उसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस विद हार्ट इरिटेशन एंड द एपिस्टैक्सिस ब्लडी यूरिन विद ट्रिबलिंग, रूमेटिज्म विद विदाउट स्वेलिंग। कभी कभी हम देखते हैं कि रूमेटिज्म में स्वेलिंग आती है, बट इन एब्रोटेनम में रूमेटिज्म विदाउट स्वेलिंग आता है। सो रूमेटिज्म अल्टरनेट्स विथ डिसेंट्री इज ईयर द सीन। देन हाइड्रोसियल विथ इन चिल्ड्रन, हाइड्रोसियल मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें हम पानी भरना कह सकते हैं, और तो उससे उसके पानी भरता है, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके नाभि में से वो थोड़ा 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 डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज हम एब्रोटेनम मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। उसके जो भी अलाइनमेंट्स है वो भी है उस विथ सप्रेशन ऑफ डायरिया। सो डायरिया हो गया और वो हम डायरिया हो जाते तो हम एक मेडिसिन ले लेते, लेकिन डायरिया उनमें से वो सप्रेस होके वो बहुत और जल्दी उसमें उसको तकलीफ हो सकती है। सो रूमेटिज्म एंड गाउट, द रूमेटिक अफेक्शंस इज द कॉज बाय सडनली अफेक्टेड विथ डायरिया। सो हियर द एग्रीवेशन, ऑल द एग्रीवेशन उसके रूमेटाइड के होते हैं नाइट में कोल्ड एयर में, और अमोलरेशन बाय मोशन। सो द कंकॉमिनेंट, सो जनरल मोडालिटी इज एग्रीवेशन एट द नाइट एंड एमोलरेशन इन द मोशन। सो रिलेशन हियर वी सी द एट द नाइट एंड एट नाइट एंड एट नाइट एंड इट इज द रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड नक्सोमिक एंड चाइल्ड।